खात्मे के लिए सरकार ने एक आक्रामक योजना तैयार की है। नक्सलियों के गढ़ में जवानों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इससे नक्सलियों का जनाधार भी कम हुआ है और उनकी सप्लाई लाइन भी कमजोर हुई है। बचे इलाकों में सुरक्षा बल अब ऑपरेशन सूर्य शक्ति चलाकर नक्सलियों के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने काफी हथियार भी बरामद किए हैं। नक्सल जानकार भी मानते हैं कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से संगठन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां नक्सली खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। लगातार कैंप स्थापना करने के पश्चात या उनके सप्लाई नेटवर्क ऊपर जो प्रभावी असर पड़ रहा है, इन सब कारण से मोदी द्वारा जो खुद लोकल मेड जो आर्म्स अमुनिशन और आईडीज के ऊपर ज़्यादा निर्भर होते हैं, इस विषय को भी हम लोग एक प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के नियत से लगातार मोदी को इस प्रकार का फैसिलिटी के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। अभी जनवरी और फरवरी महीने में दो बड़ी अभियान जो अबुझमाड़ क्षेत्र में और दक्षिण बस्तर इलाके में संचालित की गई, ऑपरेशन सूर्य शक्ति, इस दौरान माओवादियों का अनेक ऐसा डंप और उनके जो आर्म्स अम्युनिशन या लेथ मशीन वगैरह को जो बरामद करके उसका नष्ट की गई थे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, फोर्स का जो मूवमेंट अभी बढ़ा है और जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में कैंप लग रहे हैं, नक्सलियों का जो इलाका सिकुड़ता जा रहा है, कुछ पॉकेट्स बच गए हैं जहां पर नक्सली अभी प्रभावी रूप से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन इलाकों में नक्सलियों के द्वारा आज काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि फोर्स जो है वो अपर हैंड पर है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि नक्सली पूर्णतः खत्म हो गए हैं। देखिए, जिस प्रकार की नक्सलियों की रणनीति रही है, छिपकर वार करने की पद्धति रही है, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाकों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि धोखा देकर के अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो आपके कुछ लोग ही कई सौ लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। और अब बात सूरजपुर की, जहां 10 लाख से ज्यादा की लूट चाकू के नोक पर अंजाम दी गई। दो बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया और तकरीबन 10 लाख की जेवरात और नकदी लूट ली। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में ये लूटपाट हुई है। 10 लाख रुपए के जेवरात और कैश यहां पर लूटा है बदमाशों ने और चाकू दिखाकर लूटपाट को अंजाम दिया। दो बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो उनके भी गले में जो है चक्कू लगा दिए। चक्कू लगाने के बाद मेरे उसमें पॉकेट में जो है 11-12-13 हजार रुपए जो भी था उसको निकाले। निकालने के बाद गाड़ी का अलमारी का चाबी मांगे ये, तो थोड़ा देर तक तो मैंने ही दिया उनको चाबी। उसके बाद मैं मिसेज को बोला मैं चाबी ला के दे दो, नहीं ये मानेंगे। तो मिसेज चाबी ला के दी, तो चाबी ला के दी तो अलमारी खोले उन लोग। खोलने के बाद वो 20-25 हजार रुपया उसमें सामने था उसको लिए और बाकी डब्बे उब्बे में जो भी सामान उमान था वो निकाले उकाले। उसके बाद लास्ट में जो है वो लाकर के चाबी मांगी। अलग अलग टीम निर्मित करके घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लिया गया और जो अज्ञात आरोपी हैं उनके पतासाजी के लिए अलग अलग टीम गठित किया गया है तथा प्रार्थी से भी बारीकी से पूछताछ किया गया जा रहा है कि घटना में क्या हुआ था एक्चुअल में, और जो भी तथ्य विवेचना के दौरान आएंगे उस आधार पर अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि अभी प्रार्थी से पूछताछ कर रहे हैं कितना रकम गया, क्या सामान था, तो उस प्रार्थी के बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात है, अभी ये क्लियर नहीं है। जैसा प्रार्थी के द्वारा अभी और पूछताछ भी बयान में और अग्रिम विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। तो खबरें लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।